तो भी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। आज हो गई है 22 मार्च 2024। हम लोग जो अभी बैठे हैं और सब्जी काट रहे हैं। आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं, रिश्तेदार। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था सिस्टर को देखने के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। सुबह सुबह खाना बना रहे हैं, आलू की सब्जी बनाएंगे और टमाटर है साथ में, हरा धनिया है। अभी हम बहुत सारा आटा लगाना है, तो कुंडे के अंदर आटा लगाएंगे। लगाना थाने ना छान छान के दो, ओसन के देना है थाने। वो खाली बस ही तो ही, और खासी क्या? और खासी ना मिर्ची साग है, वो ना दे। चिंता क्यों करो यहाँ? गर्म पानी है, तेल है और ये आटा है, ठीक है? और इतना आटा मैंने लगाया, देखो पूरा। एक्चुअली ये इससे पहले का जो काम था ना, वो सरदा ने कर दिया, और जो मेन ताकत वाला काम है वो मेरे लिए छोड़ा है। मुझे क्या करना है, आटे को एकदम गूंद के तैयार करना है। सगा जी के लिए बढ़िया रोटी बनाएंगे, गोल गोल। सब्जी देर काटी हुई है तैयार, काका जी है हलवाई, वही बनाएंगे सब्जी। अरे बस 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 हाँ इतनी। गिलास गिलास ट्रे चाले ताई पानी ढोलना है, ओली गिला दे बाल्टी भर ले। आप ही धोएगी सगी करना सही है। रोटियां बना रहे हैं छत पे और हलवा वगैरह नीचे बनाएंगे। चाय की पानी की नाश्ता वगैरह हम लोग लेके आ गए आते ही सबसे पहले, और जाते टाइम रंग लगाना ये जरूर। काका को पता नहीं, हम भाई भाई मिलके तो लगा देंगे उनको। एक चिट्ठी भी आवेगी, एक आवे दो आवे के याद रख के लगा दी। तैयार हो गई चाय लेके आने के लिए। क्या लग रही सचिन? नहीं कोजा मान तो चेको जला को सोना लग मान के करना है तो किया सुनी देखना जगह लागनी चाहिए था। अच्छा ही आ गए ओ सर भाई, मतलब तारी पे तो काकी इतनी गणी के। हां भाई मेहनत भाई जी खुद की है, रियल मेहनत है। हां रियल मेहनत है। उनका सभी ये मेरे बुआ जी भी आ गए साथ में मिलकर सब रोटियां बना रहे हैं। बुआ जी है क्या?
अच्छा ये बड़ी पतली करे नी मेरो हाथ मोटो ही साल है अभी हम सब मिलके रोटियां बना रहे हैं लगभग आधी बना ली और आधी और बची है तो टाइम लग रहा है ना क्योंकि हम छोटी छोटी रोटियां बना रहे हैं नहीं तो मैं तो आटो बेग बेगी बना दी डीडी रोटियां भुजिया है गुलाब जामुन कड़े बारह ज्यादा होगी चार छह दस ज्यादा होगी एक दो एक्स्ट्रा लगा दें तो कोई बात कर जय श्री राम समझाओ अच्छा बोला वैसे भाई जी लेकिन सारणी तो थे पहले समझे को नहीं है अभी हम खाना खा रहे हैं और ये है अन्नू की ननद अन्नू के ससुराल से साथ में आए है देसी खानू हूं गो हां देसी है तो खानू लाल मिर्चा रोटी है बने बाजरी की रोटी गन्ने है बाजरी की रोटी होगी तो बात ही देरी अब तो काको बती खा लिया बाकी सगा तो हां ना सगा नहीं खवा देता बात देता भाभी कोई कौन तो अरे बोनी तो सॉरी वे बाजरी की अरे सगा एक ही की गांव आ रहा सगा तो बाजरी की फली आ दो यहां के तो एक ही की गांव आ तो फिर देखो भाई काम वाले अब खाना खा रहे हैं हम लोग सबको खाना खिला दिया बताओ कमरा में कर रहे हैं रेस्ट अरे पिट है हाँ तू आगन हो जा ओ सलाद खा ले हाँ सलाद खा देख तीनों ने एकदम कई ग्रह बीच वाला लग एनर्जी बढ़ी है सलाद खाओ चाहिए हाँ बस
कौन थे नहीं तो सगी जी जदीद को सावड़ लगा नाक के लगा दे सगी जी ते लगा दे बात सर सगी सगी तो देर मिला भी ये आप ये काम मन बार बार ने दो दो बार बार के तो मोटी करके लगा सगी एंडा दी सगी जी रे गेने मां ओना ने जी सोनो लगा सो ये गणो कौन लगा मैं उत्तर जी की कौन साल मुट्ठी भर के लगा दो भाभी के याद रख के लगा दो अभी तो भाभी को लाड रख रहे हैं सासू मोड़ी गिला धन्यवाद पीने लगे कौन था सुगी जी पूछा ना सुनो लगे अन्नू के ससुराल से ये आई है अभी ये मतलब ज्वेलरी आई है तो ये है पायल और ये बिछिया और ये है कानों के मुझे सबसे ज्यादा सुंदर ये कानों वाले लगे पीछे से ये गड़ने वाले चुभने वाले नहीं है पीछे से और ये है नोज पिन और ये गले में है छोटा सा गणेश जी बहुत सुंदर डिजाइन है जो भी ज्वेलरी है ये बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन है रत्ती हो रही है तो बहुत ही सुहाई में डिजाइन हाँ सब एकदम मतलब सुंदर सुंदर डिजाइन है उसके बाद में हम लोग वापस अपने गांव पे आ गए घर पे आ गए। मैं एक बात आपको बता दूं, कई सारे लोग ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे थे कि आपकी सिस्टर को देखने आ रहे हैं, सगाई है तो आपके पापा कितने भाई है। तो मेरे पापा तो दो भाई है, तो वो मेरी सिस्टर कैसे है मैं बता दूं, उनके दादाजी और मेरे दादाजी एकदम सगे भाई थे और मेरे दादाजी टोटल 6 भाई थे। पूरा परिवार में अगर आप देखेंगे तो खूब सारी सिस्टर काका दादा हमारा जो परिवार है आज भी मिलजुल कर हम आते जाते हैं मिल के रहते हैं, तब खूब सारा बड़ा परिवार है। और दूसरी मैं बात दादाजी और 6 भाई थे, उनके पिताजी 2 भाई थे, वो भी हम साथ में आते जाते हैं मिल के जुलते रहते हैं। और उनके दादाजी का भी करें तो खूब सारे हमारे ऐसे रिलेशन में है ना, राजस्थान से बाहर के लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जब इस तरह से सामाजिक ताना बाना, जिन लोगों को आजकल शहरीकरण में शायद नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, भारत के अंदर जो पहले से इस तरह से चला आ रहा था वो बहुत लंबी जड़ें होती है, बहुत लंबी दूर तक इस तरह से रिश्तेदार, इस तरह से रिश्तेदार भाई बंधु ऐसे, तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। और ऐसे भी होता है कि हमारे एक गोत्र होती है सामने, जैसे हमारी गोत्र जो सरेवा है, किसी के सरेवा गोत्र है हमारे, तो उसमें फिर शादी नहीं होती, वो हमारे भाई बंधु ही होते हैं। तो फिर अगर वैसे है तो हम सिस्टर ही बोलेंगे, बुआ बोलेंगे, बुआ या फिर भाई बोलेंगे। तो ऐसे सब अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, जय सियाराम। रिश्ता पक्का हो गया है और जल्दी शादी भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट सीजन में मतलब दीपावली के बाद में। थैंक यू, बाय बाय।